ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर के समीप दत्त नगर मिल्क फेड के दूध प्रसंस्करण इकाई के बाहर 3 जिलों के 7 खंडों से आए दूध उत्पादकों ने धरना प्रदर्शन किया। इससे पहले दत्त नगर नेशनल हाईवे पर लोग एकत्रित हुए और रैली की सगल में मिल्क प्लांट पर जाकर धरना किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मिल्क फेड करीब 1.5 लाख लीटर दूध देता है, जिसमें 50,000 लीटर दत्त नगर में एकत्रित होता है। ऐसे में प्रदेश में सबसे अधिक दूध उत्पादक क्षेत्र से लोगों से अनदेखी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रामपुर के समीप दत्त नगर मिल्क फेड के दूध प्रसंद इकाई के बाहर 3 जिलों के 7 खंडों से आए दूध उत्पादकों ने धरना प्रदर्शन किया। इससे पहले दत्त नगर नेशनल हाईवे पर लोग एकत्रित हुए और रैली की शक्ल में मिल्क प्लांट पर जाकर धरना दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मिल्क फेड करीब 1.5 लाख लीटर दूध लेता है, जिसमें 50,000 दत्त नगर में ही एकत्रित होता है। ऐसे में प्रदेश में सबसे अधिक दूध उत्पादक क्षेत्र के लोगों की अनदेखी क्यों हो रही है? प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम मिल्कफेड पर गंभीर आरोप लगाते हुए दूध उत्पादकों ने कहा कि उनका मिल्कफेड शोषण कर रही है। उन्होंने बताया कि बाजार में बोतल बंद पानी 20 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से मिल्कफेड किसानों से 16 से 22 रुपए लीटर दूध ले रहा है, जबकि किसानों को दूध उत्पादन में 30 रुपए प्रति लीटर से अधिक की लागत आ रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दूध एकत्रीकरण केंद्रों में दूध की गुणवत्ता जांचने के लिए संयंत्र ना होने से दूध उत्पादकों को दूध पतला बताकर दूध के मनमाने दाम भी लिए जा रहे हैं। उन्होंने गुणवत्ता जांचने के लिए उपकरण हर केंद्र में देने की मांग उठाई। इसी तरह उन्होंने आरोप लगाया कि पशु औषधालय और केंद्रों में ना तो गुणवत्तापूर्ण दवाइयां हैं और ना ही स्टाफ है, इससे दूध उत्पादकों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता व ठियोग के विधायक राकेश सिंघा समेत किसान सभा के नेताओं ने कहा कि एक ओर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है और दूसरी ओर किसान स्वयं आजीविका के संसाधन तैयार कर रहा है। उन्होंने सरकार से सहायता करने की बजाय उन्हें शोषित करने के आरोप लगाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रदेश में बाहर से मिलावटी दूध आ रहा है, जिसमें कई प्रकार के रसायनों से दूध तैयार होता है। सरकार प्रदेश सीमा पर ऐसे संयंत्र स्थापित करे जिससे हिमाचल में गुणवत्तापूर्ण और सही दूध आए। ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने बताया कि दत्तनगर में जो प्रदर्शन किया गया उसके मुख्य कारण दूध उत्पादकों का शोषण है। उन्होंने कहा कि दूध उत्पादक आज हिमाचल का सबसे गरीब है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दूध उत्पादक लंबे समय से अपनी मांग उठा रहा है और दूध की दरें बढ़ाने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। नजरअंदाज किया है उस इलाके को जो नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन होना चाहिए, जिससे गाय की इंसेमिनेशन होगी, उसके बगैर संभव नहीं है। आपको जो AIA आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, उसको आपको नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन में रखकर जब गाय नए दूध में आती है तब वो इंजेक्शन लगता है, लेकिन ये उपलब्ध है ही नहीं है। घनाटी से आता है और कभी कभार आता है, तो यहाँ पर ये बहुत दुर्दशा दूध उत्पादक की है। वहीं किसान नेता देवकी नंदन ने बताया कि दत्तनगर में दूध उत्पादकों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें 3 जिलों के 7 खंडों के दूध उत्पादकों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि गांव के अंदर जो दूध बिक रहा है वो लागत मूल्य से भी काफी कम दाम पर मिल्कफेड के माध्यम से लिया जा रहा है, इससे किसानों की आर्थिक दिशा भी बिगड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि हालात ये है कि दूध सस्ता और बोतल बंद पानी महंगा हो गया है। मेरा नाम देव। वहीं दूध उत्पादक कमला देवी ने बताया कि हमारे को दूध का दाम बिल्कुल कम मिल रहा है। सरकारी संयुक्त उपकरण मिल्कफेड के अधिकारियों को पता नहीं है कि दूध उत्पादकों को कितनी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि सुबह गाय के गोबर निकालने से लेकर कई दिक्कतें आती हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दूध के दाम उन्हें कम दिए जा रहे हैं। क्या ध्यान नहीं, मतलब सवेरे और शाम तक हमारी जान जानती है, इनको कोई पता नहीं लग रहा है, हमारे को पता लगता है कैसे पानी। मैं बोलती हूँ कि हमारे लिए जो है ये 30 रुपए भी कम है, ये भी कम है, ये तो है तो मतलब 35 चाहिए था असली दूध। ये बोलते कि भाई ये वहाँ ये नहीं लगती, डिग्री नहीं लगती है। तो ये था दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।